हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं लवलेश कुमार और आज पहुंच चुका हूं एसके इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा और हमारे साथ है मैडम भारती। और वेलकम टू भारती मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी सर, आपका भी हमारी कंपनी एसके इंडस्ट्री में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए एक छोटा सा लघु उद्योग, जो यदि अभी आप समय रहते अभी स्टार्ट करते हैं तो ये मान चलिए आपके जो गर्मियों का जो सीजन है वो पैसों से भरा हुआ रहेगा। मीन्स गर्मियों के मौसम में आपके पैसों की बरसात करने वाली ये मशीन है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है हाथों हाथ बिकता है और लगातार बिकता है, चाहे गांव हो, शहर हो, चाहे देहात हो, कोई भी शहर हो। इवन गांव में सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड होती है क्योंकि वहाँ जो बच्चे होते हैं स्कूल वाले बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंडर बजट मैंने परचेसिंग होती है, उनको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें वो सबसे ज़्यादा इसी को ही परचेस करते हैं। तो इसी को सबसे ज़्यादा परचेस करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले भी आप चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस हमारे चैनल को। और मैम बताएं आप इस मशीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं। सर, ये जो मशीन है फोर नोजल जूस मशीन है। इस प्रकार के जो जूस होते हैं वो इस मशीन के द्वारा बन करके तैयार होते हैं। इसके अंदर एक बार में चार पाउच बन करके रेडी होंगे। अच्छा, चार पाउच जी। और चारों में एक ही फ्लेवर रहेगा कि अलग अलग फ्लेवर कर सकते हैं? नहीं, एक ही फ्लेवर रहता है सर, एक ही बार में, और बाकी अलग अलग भी बना सकते हैं। अगर हम इसके अंदर फ्लेवर की बात करें तो जो भी आप रॉ मटेरियल उसके अंदर डालेंगे वो इस प्रकार से बन करके तैयार होगा। अलग अलग आप लीची का हुआ, मैंगो का हुआ, पाइनएप्पल का हुआ, वो बना करके तैयार कर सकते हैं। कितने पाउच इसमें एक बार पैक होंगे? एक बार में चार पाउच पैक होंगे। चार नोजल, चार पाउच एक बार पैक होंगे। और मैम, इस मशीन में और बाकी दूसरी जो अदर मशीन है उसमें क्या माने अंतर है? सर, इसकी जो पैकिंग होती है, जो सेलिंग होती है, वो तीन स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड। तो उसकी लीकेजिंग के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, हाँ फ्रेंड्स, मैं इसको काफ़ी दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जो पैक हो गया वहाँ से तो पॉलीथिन नहीं फूट रही, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कैसे और दिखाऊँ, इतना प्रेस कर दिया है और फिर भी लीकेजिंग नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होगा, आपका जो अंदर मटेरियल भर रहा है, फ्लेवर भर रहा है, वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो इससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी। तो मैम, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या पड़ती है इन पाउच की? इसको बनाने की कॉस्ट पड़ती है 1 से 1.5 रुपए में बन करके तैयार हो जाता है। और रिटेल में और होलसेल के अंदर ये जाता है 3 से 3.5 रुपए में, और रिटेल के अंदर ये बिकता है 5 रुपए का। तो फ्रेंड्स, अच्छा है, आप 1 से 1.5 रुपए के आसपास में दी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और 3 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो आपका 1.5 रुपया पर पाउच आपको मुनाफा मिल रहा है। जी सर। और पर डे का कैपेसिटी इसकी क्या है, प्रोडक्शन की, मतलब पर आवर क्या है इसकी? 3000-4000, इसके अलावा डिपेंड मैनुअल पावर पर। अच्छा, 3000-4000 पाउच आपके का नाम पर डे पैक कर लेता है यदि नॉर्मली, यदि हमारे जो न्यू यूजर है, न्यू बंदे हैं, तो 3000-4000 पाउच पैक कर लेगा। तो 3000 भी मोटा मोटी रख ले पाउच पैक कर रहा है तो लगभग 5000 रुपये के आसपास इसका मुनाफा बन जाता है यदि आप होलसेल में बेचते हैं। और यदि आप छोटी मोटी कोई गाड़ी लगा के यदि आप रूरल एरियाज में डायरेक्ट छोटी दुकानों को कॉन्टैक्ट करते हैं, वहाँ बेचते हैं, तो 3 रुपये से ऊपर भी वहाँ बेच पाएंगे क्योंकि वहाँ उसकी सेल जाती है रिटेल में 5 से 10 रुपये के आसपास एक पैकेट की सेल होती है। तो काफ़ी अच्छा मुनाफेदार व्यवसाय है। और मैम, इसमें इस मशीन के साथ और क्या लगता है मैम? सर, ये मशीन है और ये जो टंकी है, हाँ? इसके अंदर रॉ मटेरियल जाता है, हाँ? और फिर ये इसकी सहायता से और ये जूस यहाँ से बन करके तैयार होता है। यहाँ पर इस ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और ये दोनों हीटर है दोनों उसके। जी, और इसके साथ कंप्रेसर भी साथ में आता है। अच्छा, इसके साथ कंप्रेसर भी लगेगा? जी सर। तो इसमें टोटल बिजली का कितना कंजम्पशन आएगा? सिंगल फेज पर लाइट चल जाती है। अच्छा, सिंगल फेज पर लाइट चल जाती है, मतलब इसमें 3 फेज वगैरह मीटर की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी घरेलू लाइट पे ही चल जाएगी। और जगह भी ज़्यादा नहीं ले रही मशीन, अप्रोक्सीमेट 2.5x2 या 3x3 की एरिया में आपकी मशीन रख जाएगी। और पैकेज मटेरियल आप अपने बोरियों वगैरह में भर के आप अपने आसपास के बोरियों में या छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉलीथिन बैग में आप पैक करके बेच सकते हैं। तो मैम, इसका आप हमें डेमो दिखा दें। जी सर, बिल्कुल, इसका डेमो करते हैं। तो इससे का आप जूस पैक कर सकते हैं और ऑरेंज फ्लेवर का है, मैंगो फ्लेवर, लीची फ्लेवर, इस फ्लेवर में जो पानी में मिला के बनाया जाता है उसको आप पैक कर सकते हैं। उस जूस की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है रूरल एरियाज में क्योंकि ये क्या अंडर बजट पाउच पड़ता है बच्चों के, और लगभग इसकी मार्केट प्राइस जो सेलिंग की कीमत आती है वो 4 से 5 रुपए के आसपास दुकानदार बेच देते हैं। कुछ कुछ रूरल एरिया में इसका 10 रुपए भी बेचते हैं। तो कुल मिला के इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है क्योंकि इसकी लागत कॉस्ट आपको 1.5 रुपए के आसपास बन जाती है, और यदि आप इसको 3-3.5 रुपए तक आप होलसेलर और डीलर को बेच सकते हैं जिससे आपको इसमें 1 से 1.5 रुपए के पर पाउच का मुनाफा होता है। और यदि इस तरह से यदि आप बिजनेस कर रहे हैं कुछ दिन में यदि आपकी सेल बराबर निकलने लगती है, अच्छी निकलने लगती है,
तो आप 6-8 हज़ार रुपये पर डे कमा रहे हैं उस समय, और 6-8 हज़ार रुपये पर डे का मतलब होता है दोस्तों 1 लाख रुपये महीने की कमाई। ये छोटा सा बिजनेस है, शानदार बिजनेस है, और ये इसका ऐसा मान लें सीज़न शुरू हो जाता है फरवरी मार्च से, आप इसकी बिक्री शुरू हो जाती है और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसकी लगातार सेल बनी रहती है, क्योंकि बच्चे फ्लेवर्ड वाटर जो होता है, फ्लेवर्ड जूस जो होता है, उसको पीना काफ़ी पसंद करते हैं, और ये ठंडा होता है, आइस के रूप में जमा दिया जाता है, तो ये काफ़ी मज़ेदार होता है पीने के लिए, और इसमें कोई ज़्यादा बोतल वगैरह नहीं होती, तो इसका कॉस्टिंग भी कम होती है बच्चों को, तो इसी आसानी से परचेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा डेमो में कैसे आसानी से पाउच पैक हो रहे थे, तो मैम इन पाउचों को कहाँ से मिल सकते हैं ये पाउच हमें? सर ये इस प्रकार से इसका रॉ मटेरियल आता है, आपके क्षेत्र में आसानी से मिल जाता है, जो लेना चाहते हैं, नहीं मिलता है तो आप हमारी कंपनी से भी परचेस कर सकते हैं। अच्छा, माने यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप एसके इंडस्ट्रीज कॉन्टैक्ट करें तो ये आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, और जो भी कलर फ्लेवर चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मशीन भी बेस्ट है, अच्छा है, पैसा कमाने वाली मशीन है, इसका मान चलिए आप 1-1.5 महीने में इसकी पूरी लागत आप वसूल कर लेंगे और मुनाफे में आ जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और रोचक बिजनेस के साथ अगले नेक्स्ट बिजनेस आइडियाज़ में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी मालूम चले आप कितने अच्छे वीडियोज़ देखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।